ये रोड पूरा गांव का बस्ती का रोड होके इधर आगे जाता है। जगह का व्यू देखिए, और शाम का टाइम में अगर आएंगे आप लोग, क्या नज़ारा लगेगा आपको, ज़बरदस्त व्यू लगेगा। ये देखिए सामने, आप लोगों को दिखाता हूँ, क्या ज़बरदस्त व्यू है। और ये पहाड़ है पूरा, ये चारों तरफ आपका जो सामने देख रहे हैं पूरा पहाड़ और जंगल है। ये क्या है भाई, क्या रोड है यार, यार ज़बरदस्त रोड है। आगे जाके तो भाई ये क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इतना छोटा हो गया क्यों। ये कांडाला नूनावाला का फीलिंग दे रहा है, मेरे को लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं कंगटीलांगसू वाटरफॉल, जो असम में सबसे ज्यादा खूबसूरत एक वाटरफॉल है। और ये जगह आप लोग को अगर एक बार आना है तो जरूर ये जगह पे ट्राई करिए, और बहुत ब्यूटीफुल जगह है, आप लोग को देखने मिलेगा ऐसा जगह। मेरे को ख्याल से हम लोग को बहुत जगह जा चुका हूँ वाटरफॉल, कम से कम 10 जगह पे जा चुका हूँ। ऐसा वाटरफॉल कभी जिंदगी मिला नहीं, देखा भी नहीं है, क्योंकि पहली बार आप लोग सिर्फ मोइनुल मलिक चैनल पे ही देखने मिलेगा आपको। 100% है ये जगह आपको देखने, इतना डेंजरस है। और जितना खतरनाक नाम है कंगटीलांगसू, उतना ही खतरनाक जगह है, क्योंकि पूरा पहाड़ के बीचों बीच है। पूरा एक कम से कम 2 किलोमीटर तो टिकट काउंटर से आपको पहाड़ के अंदर ही जाना पड़ता है, और हम लोग पहाड़ के अंदर से होते हुए पूरा नदी के पार से होते हुए पूरा जाके वाटरफॉल तक पहुँचे हैं। पीछे के एक बार बैकग्राउंड तो देखिए, उसके बाद आपको पूरा कवर करके एक बार दिखाएंगे चारों तरफ का, पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। और वीडियो में पूरा बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, पूरा फुल वीडियो देखिए, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और उधर के पार्किंग है, इधर पीछे देखिए, ये पार्किंग है, उधर पार्किंग है, ये पार्किंग उधर से, ये रोड तो इतना ब्लर आ रहा है क्योंकि धूप है, इसके लिए देखने में ये सीधा रोड जाता है। रोड से कम 10-15 मिनट लगेगा चल के, उधर पार्किंग उधर है, क्योंकि रात ये नहीं अलाउ नहीं है जाने के लिए बाइक लेके, टू व्हीलर लेके। आपको ये जगह पे ये पार्किंग एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, चले इधर पार्किंग कर सकता है, ये पार्किंग का एरिया इधर ही है। और इधर से आपको ये जगह से, ये रोड से होते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से नो एंट्री है, आपको जा नहीं सकते आप पार्किंग के लिए। इधर है, बहुत बड़ा जगह है, अच्छा जगह है करके रखा है, इधर से टू व्हीलर फोर व्हीलर रख के आप चला जाइए। पानी का आवाज़ तो कान पे आ चुका है, अभी जाके मंजिल में पहुंचना पड़ेगा, बस हमारा आँखों का सामने है अभी मंजिल, वो देखने देखने के लिए। क्या ज़बरदस्त व्यू है, ये देखिए सामने आ रहे, वाह क्या ज़बरदस्त लग रहा है एकदम। इसको बोलता है नॉर्थ ईस्ट, एकदम ज़बरदस्त वाटरफॉल है ये, आपको देखने मिल रहा है, ये सामने देखने मिल रहा है। ऐसा जगह मैं तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत घुमा है, हम लोग कम से कम 10-15 जगह पे वाटरफॉल पे जा चुका हूँ, लेकिन ऐसा कभी जगह ज़िंदगी में हम लोग को देखने नहीं मिला। लेकिन ये जगह देखिए आपका क्या ज़बरदस्त लग रहा है एकदम, पूरा पहाड़ों का ऊपर से इधर से इधर से पानी गिर रहा है। और ये जगह का इधर बाजू में रहोगी इधर से खड़ा होके, क्योंकि नीचे अलाउ नहीं है फिर भी, लेकिन मोनिल भाई को मैं नीचे जाके बोलेंगे आप मेन जगह पर जाओ, जगह पर उनको बोलेंगे जाके उधर नहा के आ जाओ। ये देखिए, अरे वाह क्या लग रहा है एकदम, ये देखिए उसका पानी का जो ऊपर से गिर रहा है, गिरने का आवाज़ सुनिए, और उसका जो इतना ज़बरदस्त हवा मार रहा है ना, पूरा पानी एकदम मतलब ड्यू जैसा आके ऊपर गिर रहा है, और ऐसा लग रहा है मतलब क्या ऐसी फेल है। ओ भाई साहब, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, क्या मजा आ रहा है देख के, अरे बाप रे, मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना खूबसूरत हो सकता है। ये देखो चारों तरफ बैठने का भी बहुत अच्छा बंदोबस्त किया गया है, और ये दो दो वाटरफॉल एक साथ में, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है भाई, यहाँ से देख के नीचे से कितना ऊपर है, पूरा पहाड़ के ऊपर से होता हुआ पानी आ रहा है, और ये साइड पे एक और है, ये देखो दो दो वाटरफॉल है भाई एक साथ में। और यहाँ एक्चुअली आज हम लोग बहुत ज्यादा मतलब सुबह सुबह आ गए, मॉर्निंग में अभी सुबह 10 बजे आए, तो इतने में अभी पब्लिक आई नहीं है, लेकिन आ जाएगी थोड़ी देर में पब्लिक आके पूरा भर जाएगी, और यहाँ फिर नहाते लोग गाना बजाते मस्त एंजॉय करते हैं, एकदम मस्त प्लेस है। और देखते हैं पानी के साथ भाई ये चारों तरफ फोम भी उड़ रहा है, मतलब पानी का इतना ज्यादा प्रेशर है उसके साथ फोम उड़ने लग रहा है। लेकिन भाई साहब क्या खूबसूरत व्यू है, व्यू तो मानना पड़ेगा, देख सकते हो, अरे बाप रे बाप,
पहली बार ऐसी जगह पे आया मैं, लेकिन देखते पहली नजर में मुझे इतना अच्छा लग गया भाई। आपको कौन कौन से एंगल से दिखाओ समझ में नहीं आ रहा, इतना ज्यादा खूबसूरत प्लेस है, मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा। पानी का इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना फॉर्म हो गया भाई पानी उड़ के, इतना ज्यादा चारों तरफ सफेद ही दिख रहा है आपको, क्योंकि ये पूरा फॉर्म है। देखे तो नीचे पानी में कितना फॉर्म जमा हुआ है, ये देखिए पूरा ये फॉर्म है। ये पानी का बहुत ज्यादा प्रेशर है और उस प्रेशर से पूरा फॉर्म जमा हो रहा है पानी का, लेकिन पूरा कैमरा में पानी उड़ते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो ऊपर से पानी उड़ते हुए आ रहा है कैमरा में भी आ रहा पूरा पानी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जितना तारीफ करूँ इस जगह के बारे में उतना ही कम है, क्योंकि ऐसा वाटरफॉल आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अभी लोग आना चालू हो गए, दो चार करके आ ही रहे, वैसे ही पब्लिक अभी आना चालू हो गए। मनिल भाई मेरे को लगता है लेगेज ले लिया अपना, ये देखो लेगेज लेके नीचे जाएंगे जाके, मेरे को लग रहा है आई थिंक नीचे जाएंगे, क्योंकि उनका रहा नहीं जा रहा है इधर नीचे, देख रहे पब्लिक गया है गा के इंजॉय कर रहे हैं अपना। अरे वाह, अरे मेरे मैं भी अभी कैसा रहूं भाई, मेरे को तो जाना पड़ेगा, सब जाएंगे तो मैं अकेला जगह ऊपर क्या करेंगे, मेरा डर मेरे को एक साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि इधर ये देखिए कैसा पोज है। अरे वाह, मानना पड़ेगा, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि लाइफ में भाई इंजॉय करना चाहिए। लुक का मैं इंजॉय देख के मेरे को समझ में आ रहा है, मनिल भाई तो कपड़ा चेंज कर रहे हैं, ये देखिए कपड़ा चेंज करके रेडी पोजीशन में नीचे जाने के लिए, लेकिन मेरे को तो रहा नहीं जा रहा है, मैं क्या करो, मेरे को तो डर लग रहा है, लेकिन डर को साइड में रखना पड़ेगा मेरे को। पब्लिक को इतना अच्छा अच्छा पोज दे रहा है भाई, पोज देख के फिर भी मैं खुद कुछ पोज वोज कुछ नहीं है, एकदम ऐसे ही मैं आके बस वीडियो बनाते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा मेरे को। मैं खुद देखो मनिल भाई जा रहे हैं, अभी मनिल भाई जा रहे हैं रेडी पोजीशन में, मनिल भाई नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद उनको पूछेंगे कैसा फीलिंग कैसा है, क्योंकि पब्लिक भी तो बहुत है भाई इधर। ये देखिए मैं जो शुरुआत में ब्लॉग बनाते मैंने कहा अरे पब्लिक तो नहीं यार, कैसा मज़ा कैसा आएगा, फिर बाद में देखा मैंने यार यार नीचे जैसा आया इधर आने के बाद 10 मिनट रुका नहीं, 10 मिनट रुकने के बाद देखा अरे यार इतना पब्लिक आके बढ़ चुका है। ये सेल्फी पॉइंट में आप लोग को बताया था मैं पूरा खाली है, लेकिन अगर शाम का टाइम में जैसा दूर, अभी तो कितना टाइम हो रहा है 10:30 हो चुका है, इसके लिए पब्लिक और थोड़ा कम है, अभी थोड़ा धूप है और ऊपर से आज संडे है, थोड़ा अब और 10 मिनट रुकेंगे ना, 10 मिनट रुकने का आप लोग को पब्लिक दिखाएंगे पब्लिक कितना है, क्योंकि पब्लिक पूरा टूटे लिया, अभी सिर्फ हम लोग था अभी इधर और कोई नहीं था, लेकिन अभी देखिए कितना पब्लिक हो चुका है इधर नीचे। मेरे को लगता नीचे भी तो जगह नहीं मिलेगा उधर खड़ा होने के लिए, क्योंकि इसके लिए पब्लिक इतना सारा पब्लिक है जगह नहीं मिलेगा। मनिल भाई, मनिल भाई को देखा क्या, थोड़ा झूम करके देखा क्या, ये देखिए अरे ओ मनिल भाई क्या है, हाउ इज द फीलिंग, नो टेस्ट थंगटी लंचो, ये देखिए मनिल भाई ज्यादा अंदर नहीं दे रहा है, उनको भी डर लग रहा है, क्योंकि ये भाई भी तो डरता है, ये भाई डरता है इसके लिए। अरे अरे पानी का अंदर चला गया, अरे भाई डुबकी मत लगाओ, डुबकी मत लगाओ तुम, मैं इधर से मेरे को इधर से ये लगेगा डर लगेगा, फिर पता चले डुबकी लगा के पब्लिक है ही नहीं इधर, वो बंदा है ही नहीं इधर, कैसा मजा आ रहा है कि नहीं। मैं अरे नीचे बुला रहे, नीचे जाता हो मेरे को बुला रहे जाने के लिए नीचे, मेरे को तो डर लग रहा है, मैं कैसा जाऊँ यार, मेरे को वो चीज़ से डर है, और जो कोई भी चीज़ लाइफ में डर रहेगा तो डर को आपको ये करके जा नहीं सकता है, डर है तो फिर नहीं जा सकता है, क्योंकि डर का मारे कुछ हो जाएगा। ये देखिए आपको तो नीचे आया मनिल भाई, बुला रहे हैं अभी नीचे, अभी आया है तो नीचे आके नीचे का, अरे वाह कितना हवा भी मार रहा है, ये देखिए इधर खड़ा हो नहीं पा रहा हूँ मैं, कितना जोर जोर से आवाज़ भी है, इसके लिए ये कर रहा हूँ। ये देखिए मनिल भाई को उनका अंदर मत जाओ तुम्हारा ये निकल जाएगा, चमड़ा निकल जाएगा इतना जोर से, ये देखो मनिल भाई जा रहे अंदर जा रहे हैं, ये देखो रे मनिल भाई जा रहे अंदर, अबे मनिल भाई अंदर ही है देखो, अरे भाई लोग क्या ले रहा है, सेल्फी ले रहा है क्या, हाँ सेल्फी पॉइंट तो है, ये जगह तो ऐसा अच्छा तो है। अरे भाई साहब देखो 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 मनिल भाई देखो कैसा पानी का साथ में ये कर रहा है, अरे वो नहीं रुकता है, नहीं हो सकता, नहीं होएगा भाई, ये देखिए
क्योंकि पानी इतना ऊपर से गिर रहा है। और आपको क्या लगता है उनका बॉडी में चोट नहीं लग रहा है? बहुत चोट भी लग रहा है, लेकिन वो सिर्फ मजा लेने के लिए चक्कर पे थोड़ा टाइम इंजॉय कर रहा है। लेकिन इतना जोर से पानी भी गिर रहा है, देखिए डुबकी भी लगा दी यार। ये भाई साहब ये डेंजरस पर है भाई, मेरे को तो ये भाई ये नहीं कर रहा है, मेरा ताकत नहीं है भाई। मैं जाके ये जगह को जाके मैं ये इंजॉय कर सकूँ, क्योंकि मेरे को डर लग रहा है इतना ऊपर से पानी गिर रहा है, मेरे को डर लग रहा है भाई। इसके लिए मैं तो नहीं है भाई। हाँ बोलो, कैसा लगा? नीचे नहीं जा सकते क्योंकि पानी इतना ज़्यादा, पूरा धक्का मारता है। अच्छा, नीचे जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जैसे नीचे गया पूरा धक्का मार के मेरे को बाहर कर दिया। आपका ये आपका आवाज़ से पानी का आवाज़ ज़्यादा है, इसलिए तो जोर से बात कर रहा है, आप उसको सुनाई नहीं दे रहा है। तो जोर से बोलो क्या है? गला बैठ गया भाई, इतना जोर जोर से बोल रहा लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि पानी का इतना ज़्यादा आवाज़ है तो सुनाई नहीं देता। लेकिन मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा था नीचे प्रोवाइडर बोल के, लेकिन इतना पानी का प्रेशर है कि मेरे को बाहर ही फेंक रहा है, अंदर जाने को नहीं दे रहा है। फिर वापस मैं थोड़ी देर ट्राई करके वापस आ गया। अच्छा, ये तो आपका एक्सपीरियंस था, ये मेरे को बताया आपने आगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हो गया कम से कम 2-3 घंटा, तो हम लोग ने यहाँ टाइम पास कर लिया, पूरा ब्लॉग बना लिया, शूट हो गया। और अभी चलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसके बाद कहीं दूसरे प्लेस में आपको मिलेंगे। ये है साइट का व्यू, दिखाएंगे अभी, देखिए क्या ज़बरदस्त लग रही है, देखिए। अरे वाह, ये देखिए क्या लग रहा है, ये सेल्फी पॉइंट है यार, क्यों चाहिए, क्या जबरदस्त लग रहा है ना, क्या साइड का व्यू देखिए एकदम, ये बोर्डर के बाजू में व्यू देखिए। ये नीचे उतर गया हम लोग, ये रोड का व्यू है, लेकिन इधर पब्लिक अभी बहुत आ रहा है, बहुत है। पहले अभी हम लोग के चले हैं तो आज जल्दी आ चुका है, इसलिए थोड़ा धूप का टाइम भी पब्लिक कम मिला है। शाम का टाइम भी आएंगे तो शाम बोले तो आपको 4 बजे बंद हो जाएगा, ये मत सोचिए 4 बजे के बाद आना है, वो क्लोज हो जाएगा, मामला साफ हो जाएगा। मतलब 1 बजे से लेके 3 बजे 4 बजे तक बहुत ही अच्छा टाइम है क्योंकि व्यू भी अच्छा आता है और उतना धूप नहीं रहता, थोड़ा शांत माहौल रहता है, लेकिन पब्लिक ज़्यादा होता है तो बहुत ही मज़ा आता है उस टाइम। हाँ, उसी टाइम आ जाइए, 1 से 2 बजे का अंदर मतलब आ जाइए, 2-3 घंटा इंजॉय करके जा सकता है क्योंकि 4 बजे बंद हो जाएगा। और ये चारों तरफ जंगल ही है, मामला इसलिए 4 बजे बंद, पहाड़ है, पहाड़ जंगल जो भी बोलोगे, मतलब अमेजन जंगल से कम वम नहीं है। हमारा ये नॉर्थ ईस्ट में आपको ज़्यादातर अमेजन जंगल ही मिलेगा। हमारा मार्सिडीज इधर ये पार्किंग करके रखा है, तो अभी चला जाएंगे, अभी जा रहा हूँ। ये सामने हमारा BMW खड़ा है, मार्सिडीज पीछे है, मनोज भाई को भेज देंगे ये BMW से, मैं मार्सिडीज से चला जाएंगे क्योंकि मेरे को BMW ज़्यादा पसंद है, इसके लिए BMW से चला जाएंगे। और देखिए पब्लिक भी अभी आ रहा है ऑलरेडी, क्योंकि उनका भी टाइम आउट हो चुका है, इसके लिए आ रहा है क्योंकि वो जगह पे धूप है अभी, इसके लिए थोड़ा ये अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, इसलिए अभी वाला चल।